नमस्कार, यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं पीआरआई मेंबर्स एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर असर के दफ्तर के बाहर यहाँ पे खड़े हैं और आज इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि आरडीडी डिपार्टमेंट की जानिब जो भी पेमेंट्स होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीआरआई पर है। सारे लोग हाथ करें, बिल्कुल बिल्कुल, सारे पीआरआई मेंबर अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है, सारे लोग, सारे जो पीआरआई मेंबर हैं, इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जो भी पेमेंट्स होती है डिपार्टमेंट निगरानी करता है, लेकिन जो भी जिम्मेवारी होती है बेनिफिशरीज तक वेरीफाई करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो पावर्स हैं, ये पीआरआई मेंबर्स जो हैं पंचीज और सरपंचीज ने आज ये सिद्ध कर दिया है और ये इस चीज़ की तस्दीक दे रहे हैं कि जो भी पेमेंट्स होती हैं वो आरडीडी डिपार्टमेंट की जानिब इनकी निगरानी में ही और ग्राउंड लेवल तक जो भी उसकी जो तहकीकात की जाती है या जो एक प्रोसेस होता है पेमेंट्स को निकालने का, तो ये सारी चीज़ें इसकी जिम्मेवारी इन्हीं तक है, डिपार्टमेंट का इसमें कोई लेन देन नहीं। आपका कहना यही है ना? ठीक है, डिपार्टमेंट मतलब आपके उसमें तालमेल में है, वो आपकी पूरी हेल्प करता है और जो भी पेमेंट्स होती हैं ग्राउंड लेवल। मैं इस ब्लॉक का एक मौजूद शहरी होने की हैसियत से और इन सरपंचों की मदद से मैं यहाँ आया हूँ। बहुत बड़ी हैरानगी की बात है, हैरानगी इस चीज़ की है कि जो फसल हम बेचते हैं और उसको आसपास से प्रोटेक्शन मीन्स झल जैसा लगाते हैं उस फसल को, और वो झल ही उस फसल को खाना शुरू कर गया है। एक मेंबर की जो जिम्मेदारी बनती है अपने वार्ड के अंदर काम करना या करवाना, बजाय उसके वो इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी वगैरह वगैरह डिपार्टमेंट पे या किसी और पे करना, मेरे ख्याल में ये तमाम पंचायती राज के सरपंचीज और पंचीज, डीडीसी और बीडीसी चेयरपर्सन्स, ये उन लोगों पे धब्बा है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पहले मेंबर है, फिर उसके बाद सरपंचीज हैं, उसके बाद बीडीसी चेयरपर्सन है, उसके बाद डीडीसी चेयरपर्सन है। कम से कम बातें करने से पहले ऐसे लोगों को, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ऐसे लोगों को क्या है क्या नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को बात करने से कम सोच लेना चाहिए कि ये बयान तो मैं दे रहा हूँ लेकिन ये कहाँ चला जाएंगे बयान। मैं तो समझता हूँ कि आज जो डीडीसी चेयरपर्सन चेयरमैन साहब जो हमारे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के हैं, ये धब्बा तो उन लोगों पे भी है, ये धब्बा तो डीडीसी मेंबर्स पे भी है, ये धब्बा तो मैं समझता हूँ डीडीसी चेयरपर्सन जो यहाँ बैठी हुई है हमारी छोटी बहन उस पे भी है, और हमारे जितने सरपंचीज हैं पूरे ब्लॉक असर के, ये धब्बा तो उन पे है, क्योंकि आजकल ना रिश्वत है, ना रिश्वत का कोई नाम निशान है, पैसा लोगों के पास जाता है। पहले ज़माना होता था जब हम ब्लॉक के ठेकेदार हुआ करते थे, काम करते थे, वीडियोस वगैरह वगैरह पेमेंटें करते थे, हम झोले में पैसे लेके जाते थे। आजकल तो वो ज़माना ख़त्म हो गया, आज तो डिजिटल है, आज सारा कुछ सिस्टम, जियो टैग करो पहले, उसके बाद इस्टीमेट बनाओ, फिर जियो टैग करो, फाइनल पे फिर जियो टैग करो। आज ये एक बेबुनियाद और ज़ाती तौर पर मतलब अपनी मतलब डिपार्टमेंट को या सरपंचों को या बाकी जो पीआईआर के मेंबर हैं उनको ब्लैकमेल करने कराने का एक साजिश है और डराने का तरीका बनाया हुआ है कि हो सकता है कि इन बयानों से हम पॉपुलर बन जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन बयानों से। मैं सरपंच ग्राउंड में भी भट हल्का पंचायत चक्का ए टू भट सर से बिलोंग करते हैं। बताएं रिश्वतखोरी के मसले पे और जो ये पीछे लगभग 3-4 दिनों से एक खबर तेज़ी से फैल रही कि 3-4 महीनों से नहीं 4-5 महीनों से ये चलती आ रही है कि असर ब्लॉक में रिश्वतखोरी के मामले जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और आज ट्राई कलर के मसले पे भी कोई मसला सामने आया। जहाँ तक मेरी जहनियत दौड़ रही है, मेरा ख्याल है कि जब भी इंडिया का झंडा लहराया जाता है तो ये लहराता ही रहेगा और लहराया रखना चाहिए इसको,
जब भी हम दफ्तर में आए, जब भी हमारा चक्कर लगा तो हमने झंडे को देखा कि यह लहराया हुआ था। गालिबन हम ये चीज़ नहीं नोट्स कर सकते हैं कि उस वक्त क्या था क्या नहीं था, उस वक्त हम यहाँ पे नहीं थे, जबकि ये बात है। लेकिन जिस वक्त भी हम ऑफिस में आए, हमारे साथ ऑफिसरों ने अच्छे से बिहेव भी किया है और हमारे मसले भी हल हुए हैं। मैं बजाते खुद एक सरपंच होने के नाते अपनी पंचायत की जहाँ तक जिम्मेदारी निभाता हूँ कि मेरी पंचायत में बार बार मीडिया आती रहती है, आप लोग जानते भी हैं, आप भी आए हैं कई बार। तो सर, जहाँ तक ग्राउंड लेवल का काम है, ग्राउंड लेवल की तहकीक होनी चाहिए, अच्छी बात है, इससे डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन ये कुछ मसले अंदरूनी भी होते हैं जिसमें इसको एक उकसाव सा दिया जाता है। लिहाजा रिश्वतखोरी ये तो एक आम सी बात हो गई है कि कहीं की भी कोई भी खड़ा हो के वो बोलता है उसने रिश्वत खाई, इसने खाई, इसने खाई। तो असल वजह है कि हमसे बजाते खुद मुझसे न खाई है किसी ने और न मांगी। और क्या कहना चाहेंगे? इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि हम यूनाइट होके एक होके काम करें, मदद होके काम करें, चाहे PRIs हो, चाहे ऑफिशल्स लोग हों, चाहे ऑफिसर्स हों। जब तक नाम एक हो जाएंगे तब तक हमारा ये आपस में भेदभाव बनता रहेगा और हमारी डेवलपमेंट में रुकावट आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि हम जब पेमेंट्स करते हैं, पेमेंट्स में हमारी एक ये डिमांड रहेगी, ना कि शिकायत रहेगी, कि हमें एक चीज़ की वेरीफाई कराना बड़ा ज़रूरी है कि ये अकाउंट सिस्टम जब है, जब हम एक के अकाउंट में पैसा डालते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता है कि वो दूसरे के अकाउंट में कैसा जाता है, किस तरह से चला जाता है। इस चीज़ की तहकीकात बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा ग्राउंड लेवल के जो भी काम है उनकी भी तहकीकात कर सकते हैं, डिपार्टमेंट कर सकता है, इसके अलावा और भी लोग कर सकते हैं, हमारी जनता कर सकती है, क्योंकि जनता ने हमें चुना हुआ है, हम जनता के हित में उठे हैं, जनता की बात सुननी है। लेकिन रिश्वतखोरी जहाँ तक है ये एक आम सी बात हो गई है, कोई भी किसी को बोलता है उसका इल्ज़ाम लगाने, इल्ज़ाम तराशी करना आज आम सी बात होगी, कभी मुझ पे लगेगा, कभी आप पे लगेगा, कभी तीसरे पे लगेगा। तो लिहाजा ये जो बात है, जहाँ तक मेरा नज़रिया है कि ये बेबुनियाद है, गलत है। आज यहाँ पे आपको जमा होना पड़ा, क्या कारण रहा और बताएं विस्तार से। जी शुक्रिया। मैं पंचायत चुहोता ए से सरपंच हूँ। यहाँ पे हमें आना पड़ा क्योंकि हम आते जाते रहते हैं ऐसे भी, क्योंकि यहाँ हमारा हेडक्वार्टर है, क्योंकि वीडियो साहब यहाँ बैठते हैं, कोई भी हमें काम हो या हम यहीं आते हैं। तो ये मसला था जो रिश्वतखोरी का, तो बड़े दुख से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम हम लगा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम हैं कौन। खुद PRI मेंबर होके तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप अपने वार्ड की देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है, आप वार्ड में कितने काम करवाएं। मैं अपनी पंचायत की बात कहूँगा, होता एक ही, मैं तो खुल के कहूँगा मैं हर वार्ड में भी जाता हूँ, ज़्यादा नहीं तो एक डेढ़ महीने के बाद मेरा चक्कर वार्ड का लगता ही लगता है। PRI मेंबर्स जो मेरे साथ हैं, जो पंच, वो सभी वार्ड की निगरानी, जो भी काम आते हैं हम लोगों को पूछ के प्लान डालते हैं, ग्राम सभाएं होती हैं तब वो काम आते हैं। और मैं काम पे खुद भी जाता हूँ, GRS वगैरह तो जाते हैं सेक्रेटरी, लेकिन मैं भी खुद जाता हूँ काम पे। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कोई रिश्वत, अगर है तो वीडियो साहब को रिश्वत कहाँ से मिलनी है ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि पेमेंट तो हम कर रहे हैं खुद ही, तो BDO साहब को पेमेंट कहाँ से रिश्वत मिलेगी। तो इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है इसमें कोई सच्चाई है। भी यहाँ आते जाते रहे तो हमें तो झंडा बुलंदी दिखा इंडिया का जो है हमारा यहाँ लगा हुआ, कभी मैंने गिरा हुआ ये देखा नहीं। तो रोज़ तो हम आते नहीं हैं, जब भी आते तो हमें ये झंडा बिल्कुल ठीक, मतलब आपको यहाँ पर जब भी आप दफ्तर आते रहे तो ट्राई कलर बिल्कुल लहराता रहा, बिल्कुल लगा होता। चुनाव में सरपंच हल्का पंचायत ग्राउंड पर से, मेरी पंचायत में जो भी पेमेंट हो रही है तो ये नरेगा भोजन FC वगैरह ये जो होती है जॉब कार्ड होल्डर के अकाउंट में जाता है नरेगा का पैसा, और किसी की कोई भी शिकायत वहाँ से नहीं। जो काम भी हो रहे हैं पंचायती राज के ऐप में जो था, तो हमने सही तरीके से वो काम करवाया, और उसमें हर एक बेनिफिशियरी को जॉब कार्ड होल्डर को पैसा टाइम का मिला है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। जो कह रहे हैं रिश्वतखोरी है वो नहीं है, उसका मतलब ये है कि जो हमारी पहले की लाइबिलिटी है, लोग जाते हैं कि जनाब हमारी लाइबिलिटी की रकम बकाया तो वो डाल देते हैं कि आज के खाते में, वो नहीं है। उसके लिए तो हमने गवर्नर जी से भी बात की थी कि जनाब जो पुरानी लाइबिलिटी है 16-17 का कुछ पैसा है, कुछ IOI के लोगों का है, वो बकाया है, वो मिलना चाहिए। बाकी उसके बारे में BDO साहब ने बोला था कि वो आएगा जब दे देंगे, ना BDO साहब ने खाया है ना हमको मिला है। जो कौन सा लाइबिलिटी वाला, इस दौर में जो है कोई किसी की भी रिश्वतखोरी ना है, क्योंकि जब रिश्वत देता कौन है, पैसा तो जाकर होटल में के खाते में जाता है, उससे ना कोई सरपंच ले सकता है ना पैंच ले सकता है। हम जो प्लान बनाते हैं अजलास में बैठ कर बनाते हैं, वार्ड के लोगों को पूछ कर बनाते हैं, और काम जब लगाते हैं तो उन लोगों को ही इकट्ठे करके उनकी मर्जी से काम होते हैं। ठीक।
क्यों जमा होना पड़ा और इसका कारण क्या रहा? सर यहाँ हम हमेशा जमा होते हैं क्योंकि हमारा हेड ऑफिस है यहाँ, हमारे काम होते हैं, कागजी काम होते हैं, हमको तो आना पड़ता है, हमको किसी ने बुलाया हुआ नहीं है। आप पूछिए क्या पूछना है हमसे कि क्या किस बारे में, हमने रिश्वतखोरी के बारे में अगर हम आप हमसे पूछ रहे हैं, हमसे तो किसी ने ली नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा तो मसला नहीं है कि ये जो रिश्वतखोरी का मसला है ये बेबुनियाद है। और जो ये किसी ने फ्लेक का कहा है या फ्लेक लगा हुआ नहीं है, हम तो दिन में या महीने में 10 बार आते ही हैं दफ्तर में, 15 बार आते हैं, हमने तो ऐसे ही लगा हुआ देखा, मैंने तो कभी गिरा हुआ नहीं देखा फ्लेक। जी 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 जी। ये शशि गोस्वामी जी की जानिब एक प्रेस नोट को जारी किया गया था, उसमें बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं आरडीडी डिपार्टमेंट पे और इसमें आज आपकी पावर्स हैं, इस विषय पे आपका क्या कहना कि क्या ये सच? मैं ये कहूँगा कि पीआरआई का एक हिस्सा शशि जी भी हैं, मेरे हिसाब से उनके ये इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं क्योंकि वो खुद इस पीआरआई में एक पेंच, एक वार्ड के पेंच भी हैं और ऐसे वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं, मगर उनके इन अल्जाम को मैं बेबुनियाद समझता हूँ क्योंकि वो खुद अगर वो बताते हैं यहाँ काम नहीं हो रहा है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि काम करवाना, क्योंकि वो उनका भी एक, वो भी तो पीआरआई का एक हिस्सा है, एक वार्ड के पंच है। तो जो शशि जी का जो अल्जाम है वो शायद बेबुनियाद, क्योंकि मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, मैं तो उन पर ज़्यादा कुछ बोलना चाहूँगा मगर मैं गलत नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो पीआरआई का एक हिस्सा है, उनको पीआरआई के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि वो बेबुनियाद अल्ज़ाम देते हैं और थोड़ा वो शायद इस मामले को हाईलाइट करना चाहते हैं कि हमारी वाहवाह होगी, हम जी आगे तक ये बातें लोग हमें लीडर बनाएंगे, ऐसे लोग लीडर नहीं बनाते हैं, लीडर ऐसे पीछे आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगा क्योंकि जो पिछले 5-6 दिनों से एक हमारे यहाँ शशि गोस्वामी जी हैं जो बार बार मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं डिफरेंट नेचर्स के, आपने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए बोथ प्रिंट एज वेल एज जो लाइव मीडिया होता है उस पर, आप आज मेरा पक्ष जानने के लिए आए तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। तो अपने ऑफिस में काम करना है, जैसे ये एक इंस्ट्रक्शन थी, मैंने वो झंडा नहीं लगाया सपोज करते हैं, तो मेरे लिए रूल्स के अंडर, सिविल सर्विस रूल के अंडर पेनल्टीज लिखी हुई है कि मुझे ये सजा दी जाएगी। मैं देशद्रोही कहां से हो गया जनाब? एक गवर्नमेंट मुलाजम, लेट इट बी, वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन नहीं मानता है वो देशद्रोही हो जाता है, ठीक है? ये चीज ठीक है, आप एक पॉलिटिकल आदमी हो, आप दूसरी पॉलिटिकल लीडरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हो जो ये लोग करते हैं। मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मुझे अपनी जिम्मेवारियों का पता है, मैं उनको बखूबी निभाता हूँ और यहाँ की मैक्सिमम पब्लिक जो है वो मेरे साथ खुश है। शशि जो गोस्वामी जी को क्या परेशानी है वो मुझे मालूम नहीं है, ना उन्होंने मुझे आज तक बताया है कि क्या परेशानी है। 2 महीने से तकरीबन 2 या 2.5 महीने हुए शशि गोस्वामी जी मेरे ऑफिस में भी नहीं आए हैं, ना उन्होंने मेरे साथ कोई कंप्लेंट की, ना उन्होंने मुझे कुछ बताया कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे मान लो उन्हें मालूम पड़ा कि ट्राइकलर गिरा हुआ है, उसके बाद आपसे उन्होंने रब्ता किया, बताया नहीं, कि ऐसा क्यों? देखिए अगर देखिए शशि गोस्वामी जी अगर यहाँ के इतने जिम्मेवार आदमी हैं, वो इतने बड़े देशभक्त हैं, इस समाज का उनको इतना फिक्र है, असर की आवाम का, मेरा ऑफिस था, अगर मेरे यहाँ पे ऑफिस पे झंडा गिरा हुआ है उनको इमीडिएटली मुझे फ़ोन करना चाहिए था कि आपके यहाँ पे ऐसा हुआ है, आप इसको रिडायरेक्ट करो। देखिए जो मीडिया पर्सन परसों यहाँ आए हुए थे परवेज साहब, जिन्होंने ये कवरिंग की, सुबह 7:38 पे शशि गोस्वामी जी उनको फ़ोन करते हैं कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ झंडा गिरा हुआ है, ये कवरेज करनी है। 7:38 सुबह शशि गोस्वामी जी मेरे दफ्तर में उस टाइम क्या कर रहे थे, सवाल निशान ये आता है। और दूसरी उनकी नीयत क्या थी,
अगर उनकी नीयत साफ साफ होती वो मुझे फोन करते। मैं आपसे आपसे ये भी जानना चाहूँगा वीडियो साहब कि यहाँ पे आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से या गार्ड वगैरह की ऐसी कोई सर्विस यहाँ पर या गेट जो होता है आपका मेन जो गेट है वो लॉक्ड होता है या क्या रहा उस दिन के बारे में आप? नहीं देखिए हमारे पास यहाँ ना गार्ड है कोई नहीं है, ठीक है, एक जो हमारा मेन गेट है उसको हम रात को लॉक करके रखते हैं, लेकिन ये वाली जो दूसरी साइड है नीचे वाली साइड जो है ये यहाँ से बिल्कुल ओपन है, यहाँ से पूरा रास्ता है ओपन। जो फ्लैग लगा होना चाहिए उसी आर्डर के तहत डीसी साहब ने हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनको नोडल ऑफिसर बनाया था, वो डेली बेसिस पे डाटा कंपाइल करते थे ऑन द बेसिस ऑफ जो हम अपने ऑफिसर्स में झंडा इंस्टॉल करते थे, उसके बाद हम उनको फोटोग्राफ भेजते थे। मुझे रफली याद है 3 या 4 अप्रैल की ये बात है, मैंने भी यहाँ पे ये इंस्टॉल किया था और वहाँ फोटो भेजा था और उसी बेस के ऊपर मेरा भी ऑफिस का जो है उन्होंने रिपोर्ट डीसी साहब को जो डेली बेसिस पे वो सारे दफ्तरों की देते थे कि आज इतनों ने कर लिया, आज इसी ऑफिस से हो गया, यहाँ बिल्कुल नेशनल फ्लैग हमारा और आप बाहर जाके देख सकते हैं वो इतनी हाइट के ऊपर है। जो मीडिया में परसों इन्होंने शशि गोस्वामी जी ने मीडिया परसों को यहाँ जो एक पाइप दिखाई उस पर कहा कि देखिए ये पाइप खाली पड़ी हुई है, यहाँ नेशनल फ्लैग नहीं लगा हुआ है, वो नेशनल फ्लैग वो जो पाइप है उस पाइप के ऊपर सिर्फ साल में 2 बार झंडा चढ़ता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को, वो उसके लिए पाइप है। उस पाइप की हाइट जो है वो हमारे ऑफिस बिल्डिंग से कम है, एज पर जो हमारा नेशनल फ्लैग कोड 2002 है उसके मुताबिक जिस भी ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर झंडा लहराएगा नेशनल फ्लैग का वो उस बिल्डिंग के ऊपर होना चाहिए, वो बिल्डिंग से नीचे नहीं हो सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं बाहर हमारा जो झंडा है वो हमारी बिल्डिंग से कम 20 फुट ऊपर है, लेकिन इसमें 3 महीने से हमारा झंडा बिल्कुल वहां इंटैक्ट था, लेकिन आज से 4 या 5 दिन पहले जब हम दफ्तर में आते हैं तो वो झंडा वहां गिरा हुआ था, पूरी पाइप गिरी हुई थी ना कि सिर्फ झंडा। हमें लगा यार शायद हवा आई होगी, बंदर आया होगा, किसने गिरा दिया, उस दिन हमने कुछ खास उतना उस पर गौर नहीं किया। परसों जब शशि गोस्वामी जी ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे पहले दिन भी फिर वो गिरा हुआ है, फिर दूसरे दिन फिर गिरा हुआ है। अगर 3 महीने से हवा या बंदर से ये झंडा नहीं गिरा, पाइप नहीं गिरी, आज अचानक 1 हफ्ते में ये 3 बार हमारे झंडे की पाइप क्यों गिर रही है? अगर एक देखिए एक बड़ी क्लियर सी चीज है, अब हमने भी इस चीज पे ऊपर सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर बंदर इस पाइप को गिराते तो जनाब बंदरों ने झंडे के उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए बोथ प्रिंट एज वेल एज जो लाइव मीडिया होता है उस पर। आप आज मेरा पक्ष जानने के लिए आए तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। तो आप मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ सर कि पीछे प्रेस नोट में एक बात कही थी शशि गोस्वामी जी की जानिब, ये कहा जा रहा है कि वीडियो वहाँ से ट्रांसफ़र है लेकिन यहाँ से रिलीव नहीं किया जा रहा है, और इसका क्या है, इसकी क्या क्लियरेंस है आप बताएं? उन्होंने क्या कहा कि वीडियो को सर उसमें एक क्वेश्चन है इसमें कि जो मदन सेक्रेटरी है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं लेकिन वीडियो असर जो उनको रिलीव नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए मैंने वो प्रेस वो जो नोट था न्यूज़ पे मैंने वो पढ़ा था, वो कह रहे हैं कि ये बहुत सालों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर मैंने एक उनका इंटरव्यू भी देखा, वो कहते हैं जी यहाँ किसी सेक्टरी को 5 पंचायतें हैं, किसी को 1 है और किसी को 1 भी नहीं है। सिमिलरली जीआरएसओ का भी ये हालत है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 1 जेई के पास 8 पंचायतें हैं और 1 पे 3 है और दूसरे के पास भी सिर्फ 3 है। मैं इन सारी चीज़ों पर आपको क्लियर करता हूँ, मदन सेक्टरी जो है आज से 2 साल पहले तकरीबन अख्तर काजी साहब उस टाइम ACB होते थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आपका जो मदन सेक्रेटरी है उसकी
किसी फलाने ब्लॉक से सिफारिश आ रही है कि हमें वो सेक्टरी यहाँ चाहिए, अगर मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूँ तो तुझे कोई ऑब्जेक्शन है? मैं कहा जनाब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे उसकी रिप्लेसमेंट दे दो। और जिस तरह का मदन एक सयाना आदमी है, मदन की 55-56 साल उम्र है, उस तरह का ही मुझे एक सयाना सेक्टरी आप कहीं से दे दो, फिर आप मदन को ले जाओ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। ट्राई कलर के हवाले से ये पिछले 3-4 दिनों से ये बात सामने आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? सर देखें, ये नेशनल फ्लैग जो है, इसके भी मैंने इनका इंटरव्यू देखा एक परसों, इन्होंने मीडिया में दिया हुआ था कि यहाँ पे जी आज तक मार्च महीने में जो हमारी यूटी गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला था कि हर गवर्नमेंट ऑफिस की बिल्डिंग के ऊपर नेशनल फ्लैग लगा होना चाहिए, उसी आर्डर के तहत डीसी साहब ने हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनको नोडल ऑफिसर बनाया था। वो डेली बेसिस पे डाटा कंपाइल करते थे